गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू ऑल? अभी यहाँ से आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वहाँ जा रहे हो ना? वहीं जा रहे ना? देखिए, मैं आईफा के साथ काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ और मैं अगर वो टैलेंट को जस्टिस नहीं करती तो मैं शायद नहीं भी जुड़ा होता। तो मुझे लगता है कि आईफा वाकई अगर जितने भी इंस्टीट्यूशंस जितने भी इंस्टीट्यूशंस है उस अगर उसके साथ आप कंपेयर करेंगे तो वो काफ़ी जस्टिस करती सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे उसका जो दायरा है आईफा का वो काफ़ी बड़ा है। मेरे ख्याल से कल जब मैं था दिल्ली में तो सुनने में आया कि कम से कम 800 मिलियन जो ये आईफा अवार्ड्स होता है और जो पूरा जो आईफा इवेंट होता है 800 मिलियन से भी ज़्यादा लोग मतलब 800 करोड़ लोग ये शो को देखते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता, ये आपको गलत सुनाई देता। मतलब मैटर फैक्ट सब लोग आईफा में ऐसा कभी नहीं होता, मगर आईफा में जो भी जाता है जो बहुत ही जो इनकी जो पूरी जूरी है जो डिसाइड करती है और जो इनका पूरा जो सिस्टम है अगर आप देखेंगे तो बहुत ही आईफा अवार्ड्स के बाद कभी मैंने ये सुनने में नहीं आया कि किसी एक्टर ने कंप्लेन किया गया मुझे मिलना चाहिए था या मुझे नहीं मिला। मैं इतने सालों से जुड़ा हूँ, मुझे आज तक इन्होंने दिया ही नहीं अवार्ड, तो मेरा तो काफ़ी इन्फ्लुएंस होना चाहिए ना, मैं एक किस्म का उनका दोस्त हूँ या तो मुझे लगता है कुछ 12-15 साल से मुझे कोई अवार्ड ही नहीं दिया उनको, तो मुझे कंप्लेन करना चाहिए। कौन लगता है कि इस बार आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतेगा आपके हिसाब से? देखिए, दो परफॉर्मेंसेज हैं जो बहुत लोग बढ़िया है। बाजीराव मस्तानी में रणवीर साहब का काम बड़ा ज़बरदस्त था और हाल ही में मैंने अभी पीकू देखी, मैंने पीकू देखी नहीं थी, मैंने पीकू अभी ऑस्ट्रिया में देखी मैं जब वहाँ था और मैंने अमित जी का काम देखा और बहुत बहुत ज़बरदस्त काम किया। मैटर फैक्ट सब ने पीकू में बहुत बढ़िया काम किया और फिल्म भी बहुत ज़बरदस्त है। मैं दोनों को देता हूँ। जरूरी नहीं है, मेरे ख्याल से फिल्म मेकर्स हैं और क्रिटिक्स हैं और कभी कभी जर्नलिस्ट भी होते हैं जो जूरी पर रहते हैं, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, सो कोई भी हो सकता है। अनिल सर, इसके अलावा आपको बहुत सारे करियर में आपके अवार्ड मिले हैं, तो ऐसा कोई यादगार अवार्ड है जिसकी यादें आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? मुझे किसी मैं कुछ चीज़ें मैं जिस किस्म का मैं हूँ, मैं यादें जो होता है मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे के बारे में सोचता हूँ, आगे कौन सा अवार्ड मिलने वाला, जो पिछला अवार्ड उसको मैं भूल जाता हूँ, तो मुझे याद ही नहीं है कौन से अवार्ड्स कुछ जो मिले हैं मुझे। और मगर मेरा हमेशा ये रहा है कि मैं जब भी जहाँ भी जाता हूँ, कोई भी इवेंट हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी अवार्ड फंक्शन हो, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी जो हमारे इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो और जुड़ा नहीं भी जुड़ा हो, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं जाऊँ और अपना आई शुड इन्जॉय माई सेल्फ, हैव फन, मेक पीपल हैप्पी। मैं लोगों को खुश देखना चाहता हूँ और जब लोगों को खुश देखता हूँ, आप लोगों को खुश देखता हूँ, तो मुझे खुशी होती है। तो जहाँ यादगार का सवाल है, मेरे जितने भी मुझे अवार्ड्स मिले हैं सारे यादगार हैं और सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उस वक्त मुझे खुशी मिली जब मुझे वो अवार्ड्स मिले। कोई भी आपकी परफॉर्मेंस पुरानी
हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फिल्में हैं जैसे कि अब मुझे उस वक्त लगा था कि ईश्वर में मुझे मिलना चाहिए था, रामलखन के लिए मिलना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त कहते थे कि पॉपुलर फिल्म को मिलना चाहिए, तो दैट वाज द मोस्ट पॉपुलर फिल्म, मगर उस वक्त मुझे अवार्ड नहीं दिया। फिर ऐसी काफ़ी ऐसी जैसे लम्हे में मुझे अवार्ड नहीं मिला, एक दो अवार्ड्स मिले बट जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स थे लम्हे में मुझे नहीं मिले। तो ऐसे काफ़ी फिल्में हैं जो मैंने की, और कुछ ऐसी फिल्में जो मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं मिलना चाहिए था और मुझे उसमें अवार्ड मिल गया। हाँ, वो मैं नहीं बताऊंगा। 3.5 साल से मैं यही जवाब दे रहा हूँ, 3.5 साल से, अगर ये मुझे लगता है अभी बना ही लें लोग, 3.5 साल देखो राम लखन को घसीट रहे हैं, उसको चूस रहे हैं। मैं अपने आप को देखना चाहूँ, मेरे से बेटर कोई कर सकता है अभी भी? बताओ, हाँ नहीं कर सकता ना। चलो मैंने दे दिया, चलो लखन, चलो ले लो यार, किसको भी है जो, हाँ एक लॉटरी निकालते हैं जिसको मिल जाए। नहीं, वो इस वक्त मुझे लगता है रणवीर मेरे ख्याल से इज अ गुड चॉइस फॉर लखन। यार Also, Anil ji, since you belong to the Bollywood fraternity, एक debate चल रहा है काफी time से, सलमान खान को Rio Games का ambassador बनाएंगे। No such question हो गई। Anil ji, we would want to know your comment on this because मैं दिल्ली में था कल था और मुझे लगता है कि सही चुना है सलमान साहब को। आज एक और अपडेट आया है इस पर कि सचिन और यार रहमान को भी अप्रोच किया गया है, सो डू यू थिंक कि मतलब इतना कंट्रोवर्सी और इतना डिबेट चल रहा था इस वजह से? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा, मुझे ऐसा मैं इसके बारे में मुझे जितना मुझे पता है कि सलमान साहब को चुना गया है और मैं बहुत खुश हूँ उससे। अनिल सर, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स जो मेरे ख्याल से ऐसी फिल्में बननी चाहिए और हमेशा ऐसी फिल्मों से ही जो होता है नया टैलेंट उभर के आता है इंडिपेंडेंट फिल्मों से, और ये छोटी फिल्मों को इनकरेज करना चाहिए और बस। और कुछ सर, आईफा में एक खास बात है कि वो सिर्फ अवार्ड के लिए नहीं जाना जाता, और भी कई फैक्टर्स होते हैं। हाँ, उसमें काफ़ी जैसे कि मैं जब पहली बार तो नहीं, मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका में मैं पहली बार गया था, तो उस वक्त मैं जब गया था तो इसमें आईफा में सिर्फ अवार्ड्स ही नहीं होते हैं, देर इज आईफा रॉक्स, फिर उसमें बिजनेस के फिकी और मिलकर भी काफ़ी बिजनेस नेटवर्किंग काफ़ी आप कर सकते हैं, काफ़ी लोगों को मिल सकते हैं वहाँ जो उस कंट्री के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं और एग्जिबिटर्स हैं, उन सबको मिल सकते हैं और काम मिल जुल कर अच्छा बड़ा और काम कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैंने हमेशा कहा कि जैसे कि फिल्म फेस्टिवल होते हैं, जो जो चीज़ें फिल्म फेस्टिवल में होती हैं और अवार्ड्स, तो ये दोनों का एक एमलगमेशन है आईफा, फिल्म फेस्टिवल और एक अवार्ड, तो दोनों मिलकर ये आईफा वीकेंड होता है, तो इसकी इसलिए एक ओरिजिनलिटी है, खासियत है आईफा की, और हमें मौका मिलता है कि हम 400-500 लोग यहाँ से जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री के, आप लोग भी आते हैं, तो वहाँ एक मौका मिलता है उनके साथ वक्त गुजारने का, टाइम गुजार तो अच्छा रहता है, इट्स लाइक अ गुड काइंड ऑफ अ nice working holiday. Whose performance you are looking forward this time? देखिए सलमान साहब का तो हमेशा मैंने ही इज ऑलवेज फैंटास्टिक ऑन स्टेज एंड ही इज वेरी गुड, ऑफकोर्स ऋतिक इज़ अ बहुत ही बढ़िया, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन डांसर है इस वक्त, एंड इट्स ऑलवेज ग्रेट, एंड जितनी मेहनत वो करता है स्टेज परफॉर्मेंस के लिए, ऐसा लगता है कि जैसे कि लाइफ एंड डेथ है उसके लिए, तो कोई भी आदमी जब कोई भी चीज़ मेहनत से करता है तो उसे देखने का हमेशा मज़ा रहता है, तो इन दोनों की परफॉर्मेंस के लिए मैं, और फरहान साहब और शायद फिल्म शो को एंकर कर रहे हैं, एंड देयर एंकरिंग इट्स माई टाइप ऑफ एंकरिंग, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ mass and class, so it's always wonderful to watch them anchor the show. And yeah, when can we see you perform? I am constantly performing. Yeah, any every special yes performance? Sorry, any special performance?
माइन इज ऑलवेज स्पेशल, मैं जहाँ भी जाता हूँ हर चीज स्पेशल ही होती है। जैसा कि आपने बताया कि 3.5 साल से सुनते आ रहे हैं कि रामलखन का रीमेक बनेगा, 4.5 हो गया अभी, 4.5 साल से। सर कोई एक ऐसी फिल्म जिसके जिसके आपके खुद के प्रोडक्शन हाउस में आप खुद चाहते हैं मेरी वो वाली फिल्म का रीमेक, जैसे तेजाब बेटा, कोई ऐसी फिल्म जिसका आप खुद चाहते हो कि आपकी टीम रीमेक करे उस फिल्म का? मैं क्यों आइडियाज दूँ सबको, पता चल मैंने आइडिया दिया और किसी ने, मैं क्यों दूँ? मैंने अपने जहन में रखा, दीज आर ऑल यू नो बिजनेस आइडियाज विच आर देयर इन माई माइंड, वाई शुड आई शेयर इट? कोई दूसरा जाके ले लेगा वो राइट्स? सर कास्टिंग भी आपकी रहेगी कि कोई और आपका फेवरेट फिल्म बनाए? नहीं, कास्टिंग जो जो राइट्स खरीदेगा वो करेगा, जब अगर मैंने राइट्स खरीद लिए और मैंने अगर फिल्म बनाई है, क्योंकि मैं भी फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, तो जो जो आइडियाज मेरे जहन में मैं क्यों शेयर करूँ? सही बात है कि नहीं? सही बात है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ सर, विजुअल्स लिया नहीं क्या? क्या किया तुम्हारा? कहाँ कहाँ बताइए, यहाँ यहाँ आ जाओ, ये चलता हूँ ना, ये देखो, ये नो, ये स्टाइल में देखो ना, नहीं झगास झगास और रामलखन से मैं थक गया हूँ, ये बच्चे लोगों को करने दो। ये मैं पिछले कुछ दिनों से महीनों मैं देख रहा हूँ कि सोनम जो है वो किसी से बात नहीं कर रही है और बहुत मेहनत कर रही है, और यू नो मैं बोली ये कर क्या रही है और ये बना क्या रही है? कभी देखता हूँ ऊपर तीसरे यू नो घर में, पता चला कि हलचल मची हुई है ऊपर, मैंने वो क्या रहा है? तो मैंने सरिता से पूछा, अपनी पत्नी से पूछा, ये ऊपर क्या हो रहा है? बोले ये ऐप बन रहा है। मैंने ये ऐप है क्या यार, ये कौन सी बाजी बन रही है? तो नो इट्स यू नो फैंटास्टिक थिंग शी इज डूइंग एंड इट्स वन ऑफ इट्स काइंड, इज द फर्स्ट टाइम इट्स बीन डन इन दिस कंट्री एंड इट बी आई थिंक समथिंग ग्रेट। एंड जो मेरे को उन्होंने कॉन्सेप्ट दिखाया और कुछ चीज़ें उन्होंने शूट की हैं, lot of fun, it's a lot of fun, and I think for all the youngsters and kids and for her, you know, she has a lot of young fans, and I think it'll be a great treat for all of them to download this app, you know, it's and kya hai, Bollywood se related hai, style se related hai, what is this app about? It's a combination of everything, I feel. It's a combination of what she's doing, her films, her, you know, about the fashion and you know and the book she reads, everything connected to what she is, what Sonam is in real life. Yeah, it's going to be a lot of fun, this app. Yeah, I'm looking forward to it also. Thank you so much, sir. Thank you. Thanks, sir. Thank you. सर तुम्हारे भाई है वो, सबसे पहले उनका छत्ता है। खड़ा नहीं हो रहा बात, उसको एक कुर्सी या स्टूल दो यार, उसको लड़की को सब ठीक है, बोले मेरा मेरा मोबाइल है, सेक्सी होना चाहिए, घूमना इधर आ जाओ, वीडियो भी और फोटो भी। कौन है बे? नहीं, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ आईफा की वोटिंग शुरू हुई, मतलब कि एक्साइटमेंट ऑफ आईफा हैज जस्ट बिगन, जस्ट स्टार्टेड। आईफा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन सिनेमा का सेलिब्रेशन है, इंडियन सिनेमा को डिफरेंट डेस्टिनेशन पर, डिफरेंट कंट्रीज में हमारे फैंस जो इतनी दूर बैठे हैं, जिनके दिलों में हमारी सिनेमा, हमारी फिल्मों के लिए इतना प्यार है, आईफा उन सब तक हमारे सिनेमा को, सिनेमा के कलाकारों को, टेक्नीशियंस को, इस सेलिब्रेशन को ना सिर्फ पहुंचाता है, बल्कि हर साल कुछ नए दिल, कुछ नए हार्ट सिनेमा से, भारतीय सिनेमा से, इंडियन सिनेमा से जोड़ देता है। सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन सिनेमा इन डिफरेंट डेस्टिनेशंस बाय आईफा नॉट ओनली रीचेज आउट
to the existing fans of Indian cinema, gives them an opportunity to meet and see film stars, technicians, singing, dancing, participating in various things. At the same time, it increases, it seduces more hearts for Indian cinema, and I applaud and appreciate the tremendous effort that goes behind IFA. I am an IFA participant, IFA supporter, and I look forward to going to IFA each year. I've been to 3 IFAs before. I've been to Toronto, I've been to Tampa, and I've been to Malaysia. And I'm looking forward to going to Madrid. जी जी कभी स्पेन में शूट नहीं किया. इनफैक्ट जब ये पढ़ा और सुना कि आइफा का फंक्शन स्पेन में होगा तो मेरा पहला ख्याल गया क्या वहाँ पे भारतीय सिनेमा के फैंस हैं क्या. जब बाद में मैंने कुछ लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि यस, देयर इज़ अ वेरी लार्ज इंडियन पॉपुलेशन और हमारे सिनेमा के प्रेमी वहाँ पर बहुत हैं. क्योंकि शुरू शुरू में मुझे लगा कि वहाँ पर कैसे, यू नो, लाइक बिकॉज ये आइफा तो बहुत, यू नो, लार्ज स्केल पे विद ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, एग्जूबरेंस, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, स्क्रीमिंग, शाउटिंग, ये सब होता है आइफा के उस खूबसूरत फंक्शंस में. तो जब मुझे पता चला दूसरे लोगों से, तो देन आई रियलाइज कि आई वॉज इनकरेक्ट, एंड येस, देर इज़ अ वेरी लार्ज सपोर्टर्स एंड फैंस ऑफ इंडियन सिनेमा. और उसके साथ साथ जब हम वहाँ से वापस लौटेंगे तो और बहुत सारे दिल हम अपने सिनेमा से, अपनी फिल्मों से जोड़ देंगे, उन्हें चुरा कर ले आएंगे अपने फिल्मों के प्रति. ये भाईजान तो पीछे से चाहिए मेरा ये, अरे पीछे से, अरे आगे से नहीं, उधर से, क्या कर रहा है, उसको दे दे, आप सब की मुंडियां चाहिए पीछे, आप सब इसमें मेजर एक्स्ट्रा दें. गुलशन सर, आपको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, ये तो कोई ऐसा यादगार अवार्ड है जो जिसकी, पहले उसका सवाल देखिए क्या है. अवार्ड्स जो हैं उसके बारे में दो ही भावनाएं हैं, जिसे मिलता है वो कहता है कि वाह बहुत बढ़िया, जिसे नहीं मिलता वो कहता है कुछ गड़बड़ है, कुछ मामला गड़बड़ है. तो अवार्ड इज एन अप्रिसिएशन ऑफ यू नो अ पर्सन्स वर्क, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो फिल्म मेकर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो. और मैं सभी अवार्ड्स का सम्मान करता हूँ, पर कितना विश्वास करता हूँ किस अवार्ड में ये अभी बताना ज़रूरी नहीं. हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि फिल्म आई एम कलाम के लिए मुझे क्या कहते हैं कि अवार्ड मिलना चाहिए था. मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड लॉस एंजलिस फिल्म फेस्टिवल से मिला, ह्यूस्टन फिल्म फेस्टिवल से मिला, यहाँ इंडिया में भी दो फेस्टिवल से मिला, पर सभी जगह से नहीं मिला. हाँ, उसमें मुझे लगा कि मुझे आई एम कलाम के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए था. भारतीय सिनेमा का सेलिब्रेशन है आइफा, उसकी शुरुआत, उसकी वोटिंग की शुरुआत और उस सेलिब्रेशंस को, इस सिनेमे के सेलिब्रेशन को आगाज देने के लिए, शुरुआत देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं. चलिए ठीक है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जूरी तो बहुत अच्छी होती है. कई बार क्या होता है कि बहुत सारी फिल्में, और ये ऑनरेरी काम है जूरी का, जो ऑनरेरी काम मतलब कि आप अपने काम के दौरान ये समय निकालें, उसमें कई बार चूक हो जाती है. बट ऐसा है कि ऑनरेरी तो सब बड़े ही यू नो लर्नड अचीवर्स जूरी में शामिल किए जाते हैं. जैसे कई बार हमसे कहा जूरी में आने के लिए, तो हमें मन में लगा कि हम जस्टिस नहीं कर सकेंगे क्योंकि इतना समय निकाल नहीं पाएंगे. और हालांकि विदेश में जब जो जूरी मेंबर्स होते हैं उन्हें स्पेशल DVD जिस पे एक यू नो वाटर मार्क होता है वो उनके घर में पहुंचाई जाती है, उनको देखने की सुविधा है कि आप अपने घर में देखकर, अपने समय पर देखकर इसमें अपने कमेंट्स, अपनी राय देते हैं. देखिए
ये बात मेरी नई आने वाली फिल्म बैड मैन, जिसका मैं हीरो हूँ, उससे भी जुड़ी हुई है। फिल्म बैड मैन, जिसको वायकॉम ने प्रोड्यूस किया है, शौमिक सेन जिसने गुलाब गैंग फिल्म बनाई थी माधुरी दीक्षित के साथ में, उन्होंने डायरेक्ट किया इस फिल्म को, और इस फिल्म का हीरो गुलशन ग्रोवर है। इससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट थिंकिंग की फिल्म हो नहीं सकती कि एक नामी ग्रामी खलनायक, उस खलनायक के पॉपुलर कैरेक्टर बैडमैन पिक्चर का नाम, और वो इस फिल्म का हीरो। तो ये कहना कि मौका नहीं मिलता, ये गलत है। इफ़ यू हैव समथिंग इंटरेस्टिंग, इफ़ यू हैव अ ग्रेट स्टोरी टू टेल, यू ऑलवेज हैव एन अपॉर्चुनिटी। एंड आप देखिए ना, अगर मुझे हीरो लेकर फिल्म बैडमैन वायकॉम बना सकते हैं तो रास्ता तो खुला हुआ है। सिर्फ आपके मटेरियल में, आपकी चीज़ में, फिल्म बनाने वाले का, उसे बैक करने वाले का, उस पर फंडिंग करने वाले का इंटरेस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अरे भाई, बिपाशा तो मैं उसका पहला कोच था और फिल्म जिसमें मैं बिपाशा का पति बना था, और बहुत ही खुशी है मुझे, बहुत खुशी है। बिपाशा बहुत ही, ना सिर्फ एक गुड एक्ट्रेस, ब्यूटीफुल, शी इज अ वंडरफुल पर्सन एज वेल। तो आई विश बिपाशा एंड करण ग्रोवर ऑल द बेस्ट। अरे इस बार आपको कौन लगता है कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतेगा? गुलशन ग्रोवर यार, है कोई सामने? लाओ मेरे सामने दिखाओ, है कोई? मैं नॉमिनेट नहीं हूँ, चश्मा तोड़ दूंगा मैं। अरे बेटा, अब तो मैं पिक्चर आ रही है ना, बताया ना बैडमैन जिसमें हीरो हूं मैं। धन्यवाद भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहन जी मेरा मोबाइल दे दो। अरे क्या हेयर स्टाइल है यार, सुनील शेट्टी के जैसा। सुनील का भी ऐसा ना, बाल यहाँ से घूम के कहाँ जाते हैं। थैंक यू। जो फिल्म आई है काफी सराही गई सब लोगों के बीच में, तो आईफा के साथ पहले भी कैसा रिश्ता रहा आपका? आईफा उन चंद अवार्ड फंक्शंस में से जो आप देखते हुए बड़े होते हैं एंड आपको इंस्पायर करते हैं कि किसी दिन यार मैं भी उस प्लेटफॉर्म पे कभी खड़ा हूँ, तो आई फील ब्लेस्ड कि आज फाइनली मुझे इस साल मौका मिला है। ये मेरा पहला आईफा होगा एंड आईफा आई थिंक वो अवार्ड फंक्शन होता है जो जहाँ पूरी इंडस्ट्री वेट कर रही होती है कि आईफा इस साल कहाँ होगा, क्या होगा, कितना बड़ा होगा। तो वो एक्साइटमेंट एक हमेशा जो आईफा के लिए होती है वो किसी और अवार्ड फंक्शन के लिए नहीं होती। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये मेरा पहला साल है आईफा में, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अवार्ड बहुत एक ज़रूरी वैलिडेशन भी है, और अच्छा लगता है कि जब आप पूरी मेहनत से एक फिल्म पे काम करते हो, अपनी जी जान लड़ा देते हो, उसके बाद जब आपको एक वैलिडेशन मिलता है अवार्ड के तौर पे, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि आपकी आपके एफर्ट्स को सराहा गया है। तो एक बहुत मोटिवेशनल फैक्टर होता है और आपका मोरल बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट होता है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। अभी June 24th इज़ माई नेक्स्ट रिलीज, विच इज़ रमन राघव 2.0, जो अनुराग सर ने डायरेक्ट किया, अनुराग कश्यप जी ने, को स्टारिंग नवाजुद्दीन सिद्दीकी। एंड उसके बाद आई स्टार्ट शूटिंग फॉर मनमर्जियां, विच इज़ एन आनंद राय प्रोडक्शन एंड डायरेक्टेड बाय अश्विनी अय्यर। तो वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू, वेरी एक्साइटेड। इम्पॉर्टेंट फिल्म तो खैर हर एक फिल्म इम्पॉर्टेंट होती है, बट मेरे ख्याल से रमन राघव इज़ वन ऑफ माई मोस्ट स्पेशल फिल्म्स, बिकॉज मेरी इस इंडस्ट्री में शुरुआत, जो मेरा पहला कदम था वो अनुराग सर के साथ था। मैं उनके साथ गैंग्स ऑफ वासेपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर मैंने काम करना शुरू किया था, एंड फिर 5 साल बाद जब उन्हीं के साथ उन्हीं की फिल्म में काम कर रहा हूँ एज एन एक्टर, और नवाज भाई के साथ को स्टार कर रहा हूँ एक फिल्म में, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एंड इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म फॉर मी। रमन राघव में जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कैरेक्टर्स आई हैव प्लेड, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत एक्साइटिंग फिल्म है, बहुत इंटेंस फिल्म है, सो लेट्स सी क्या होता है। जैसा कि आपने अभी कहा कि अवार्ड्स काफी मायने रखते हैं, बट डिस्पाइट गेटिंग सो मच अप्रिसिएशन फॉर योर फिल्म मस्तान, डेब्यू अवार्ड नहीं मिल पाया आपको, तो
टू बी ऑनेस्ट पता है मुझे लग रहा था कि शायद पता है अगर नहीं अवार्ड मिलेगा तो शायद मुझे कुछ फील होगा, थोड़ा नेगेटिव फील होगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. मे बी बिकॉज जैसे कि आपने कहा कि इतनी प्रशंसा हुई, इतनी अप्रिसिएशन हुई, सब कुछ, तो आई थिंक आई वाज सो ओवरवेलम्ड विद ऑल ऑफ दैट कि जिस तरीके से ऑडियंस ने रिएक्ट किया, जिस तरीके से क्रिटिक्स ने रिएक्ट किया एंड द फिल्म फ्रेटर्निटी एज वेल, कि पता नहीं शायद कोई वो जगह नहीं मिली क्रिप करने के लिए कि अरे यार अवार्ड क्यों नहीं मिला. तो शायद अच्छा ही हुआ कि वो इतनी तारीफ हो गई कि मन उसी से भर गया. देखिए हर अवार्ड्स का, हर अवार्ड्स पैनल का, हर जजिंग पैनल का एक अपना प्रोटोकॉल होता है जिसको फॉलो करते हैं, एंड इवेंचुअली अगर वो अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से किसी को विनर साबित करते हैं तो वी नीड टू रिस्पेक्ट इट, एंड आई टोटली रिस्पेक्ट इट, एंड उनका वो अपना ओपिनियन है एंड दैट्स कम्प्लीटली फेयर ऑन दैट पार्ट. तो आई डोंट नो मैं उससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ. नहीं नहीं पता नहीं, शायद हो भी सकता है. मैं अभी वो उस बारे में कहना मेरे लिए बहुत आई डोंट नो, मैं उतना शायद एक्सपीरियंस नहीं हूँ. मुझे अभी तक एक ही साल हुआ है इस इंडस्ट्री में तो मुझे पता नहीं कि क्या चीज़ें हेल्प करती हैं क्या नहीं हेल्प करती, बट इतना पता है कि आपके काम में, आपके क्राफ्ट में, आपके टैलेंट में आप कितने कितनी मेहनत डालते हो वो ज़रूर काम आता है. तो मेरी बस फोकस, मेरा फोकस उसी पर रहेगा कि जब कैमरा फेस करूँ तो जब मुझे परफॉर्म करने का मौका मिले तो वहाँ मैं ना चूकूँ. बाकी आगे देखते हैं कैसा होता है. अनुराग कश्यप स्टाइल, खैर वो शायद क्योंकि ट्रेनिंग इतनी कड़क मिल चुकी है गैंग्स ऑफ वासेपुर से तो शायद वो मेरा जॉनर भी है, वो पसंद भी करता हूँ, बट आई थिंक मैं हर जॉनर में अपने आप को टेस्ट करना चाहूँगा एंड हर किस्म की फिल्म करना चाहूँगा. एंड आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि हर किस्म की फिल्म ऑफर हो रही है, कुछ कुछ अच्छी बातें हो रही हैं. सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड हैं कि क्या होता है आगे. देयर आर लॉट्स ऑफ बॉलीवुड एक्टर्स. अमित जी हैं, रणवीर सिंह हैं, शाहरुख सर हैं, देयर आर सो मेनी ऑफ देम. आमिर सर हैं, आई थिंक उनका बॉडी ऑफ वर्क इतना कमाल का है कि आप उनके कितने सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको फॉलो करते हो, कितने सारे कैरेक्टर्स को देखते हो, बड़े हुए हो. तो आई थिंक ये सारे फिगर्स हैं जो आप, आई मीन दे इंस्पायर मी विद एवरी फिल्म ऑफ देयर्स. सी अनुराग सर एंड मी शेयर अ डिफरेंट बॉन्ड, इट्स मोर देन अ डायरेक्टर एक्टर बॉन्ड. अनुराग सर नोज मी इन एंड आउट, माई अपब्रिंगिंग, माई फैमिली, वेयर आई कम फ्रॉम, एवरीथिंग ही नोज. एंड अपार्ट फ्रॉम माई प्रोफेशनल डिसीजंस ही इज़ अवेयर ऑफ एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन माई लाइफ. सो ही इज़ लाइक फैमिली टू मी. सो इवेंचुअली लैंडिंग अप ऑन अ फिल्म सेट वेर ही इज़ डायरेक्टिंग मी एज अ डायरेक्टर एंड आई एम एक्टिंग ऑन हिज फिल्म, इट वॉज स्पेशल, इट वॉज सरियल. एंड विद अ फिल्म लाइक रमन राघव आई न्यू दैट आई हैड टू पुट माई ए गेम फॉरवर्ड एंड दैट्स वॉट आई ट्राइड डूइंग एंड लेट्स सी हाउ द ऑडियंस रिएक्ट्स टू इट नाउ. Thank you so much. Thank you. Thank you. लास्ट यहाँ पे एकदम राइट. विवेक सर, सर स्ट्रेट सर, सर यहाँ पे सर. विवेक सर, विवेक सर, कैन यू होल्ड द ट्रॉफी सर? होल्ड द ट्रॉफी. सर कम कमी है थोड़ा. सर यहाँ पे, सर यहाँ पे, सर यहाँ पे, सर सर स्ट्रेट सर, विवेक सर वाले क्या पे? विवेक सर, सर सर यहाँ पे. विवेक सर वीडियो के लिए सर ये. ओ विडाइट सर खाली इधर. सर एक बार राइट सर ये भी. All right. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Hey, किधर? सब ठीक? विवेक क्या क्या? Thank you. आधा हो गया ना? हाँ ना बस ना. सर आइए भाई के लिए. आ गया तुम? हाँ सर. हाय. विवेक सर, आईफा इस अवार्ड पे हैप्पी तो क्या करना चाहिए, क्या यादें जुड़ी हैं आपकी? यार आईफा इज प्रॉब्ली द बिगेस्ट सेलिब्रेशन जहाँ पूरा परिवार मिलकर, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री का परिवार पूरा मिलकर एक हमारे इस बॉलीवुड के स्पिरिट को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. तो आई नेवर मिस इट. आई ट्राई जब भी आई थिंक
आई थिंक पिछले 15-17 साल में जितनी बार भी, मैं तो 13-14 साल से हूँ इंडस्ट्री में, तो आई थिंक आई हैव गॉन मोर देन 8 टाइम्स और 9 टाइम्स टू आईफा. सो आई ट्राई नॉट टू मिस इट अनलेस आई एम शूटिंग और आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग, बिकॉज इट्स सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गेट टुगेदर एंड सेलिब्रेट एवरीथिंग दैट वी ऑल स्टैंड फॉर, एवरीथिंग दैट वी बिलीव इन. मुझे कुछ और बातें भी बहुत अच्छी लगती हैं आईफा के बारे में. आई फील दैट आईफा इज एक्चुअली द बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया, नॉट जस्ट बॉलीवुड, बिकॉज हमारा बॉलीवुड इज़ अ बिग ब्रांड एम्बेसडर एनी वे. हमारे यहाँ से जब हम बाहर जाते हैं तो बहुत एक्साइटमेंट होती है. लोकल्स वहाँ के जो फैंस हैं वो आते हैं हमें देखने के लिए, हमें सराहने के लिए, हमारे सिनेमा को देखने के लिए. लेकिन जो नॉन इंडियन या नॉन एशियंस हैं, मैंने बहुत बार देखा है जब भी हम विदेश गए, जैसे पिछली बार जब टैंपा गए थे तो टैंपा में इतने नॉन एशियन लोग आए थे और उन्होंने हमारी फिल्में देखी, उन्होंने हमारे कल्चर को देखा, बॉलीवुड के म्यूज़िक को एंजॉय किया. एंड आई थिंक इससे एक अलग किस्म की क्यूरियोसिटी जागृत हो जाती है लोगों में, पैदा हो जाती है. दे वॉन्ट टू कम एंड सी कि है क्या ये. एंड दैट्स हाउ आई थिंक हम लोग अपने होराइजन्स एक्सपैंड कर रहे हैं, ऑल्सो फॉर ट्रेड, फॉर बिजनेस. पिछली बार जब हम US गए थे तो मेरे खास एक बहुत फेवरेट एक्टर हैं केविन स्पेसी, तो उनके साथ में उन्होंने एक प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज़ किया जहाँ पे हम सारे एक्टर्स मिलकर उनसे बात कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें. मुझे जॉन ट्रेवोल्टा से मिलना था तो वो आए थे, तो आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विद हिम. सो आई थिंक दीज काइंड ऑफ मीटिंग्स और जिस तरह से वो लोग दूसरे दुनिया के दूसरे क्रिएटिव लोगों को हमारे साथ जोड़ते हैं, बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट सर्विस. सो आईफा इज नॉट जस्ट एन अवार्ड शो एंड दैट्स व्हाई आई रियली बिलीव इन देम. आई थिंक कल परसों आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, अनाउंसमेंट भी हो जाएगी पूरी. मैं कल निकल रहा हूँ बैंगलोर. बैंगलोर में काफ़ी बड़े पैमाने पर हम लॉन्च कर रहे हैं हमारी फिल्म, 5 भाषाओं में बन रही है एंड इट्स अ बायोपिक बेस्ड ऑन लेजेंडरी कैरेक्टर कॉल्ड मुत्तप्पा राय. एंड उनके बारे में जितना कहा जाए कम है, बट लाइक द टैगलाइन ऑफ द फिल्म सजेस्ट, राय इज़ द ग्रेटेस्ट गैंगस्टर एवर. एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड बिकॉज आई एम गेटिंग टू मीट द मैन माई सेल्फ. इससे पहले मैंने जब भी किसी गैंगस्टर का रोल प्ले किया है तो मुझे दूसरे लोगों से पूछना पड़ा, उनके बारे में एकेडमिकली रिसर्च करना पड़ा, क्राइम रिकॉर्ड्स को पढ़ने पड़े. लेकिन इस बार मैं फेस टू फेस पहली बार किसी से मिल रहा हूँ और वो मुझे बताएंगे कि उनका अनुभव क्या रहा, उनकी ग्रोथ क्या रही, किस वजह से सारी जो घटनाएं घटी और क्या जर्नी रही. आई मीन वो एक बैंक क्लर्क से शुरुआत की और कैसे एक पढ़ा लिखा सीधा साधा गुड सोसाइटी का गुड सिटीज़न कहाँ से कहाँ पहुँचा और आज वापस वो एक बहुत बड़े पद पर है वहाँ पर. आज 20 लाख लोग उनके सोशल मूवमेंट के मेंबर बन चुके हैं एंड येट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स. सो ही इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मैन. आई मीन 30 रुपये से शुरू किया, 30 साल में 30,000 करोड़ की संपत्ति बना दी. तो देर इज़ अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट अराउंड हिम एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड कि मैं जब बैठूंगा उनके साथ में, सवाल पूछूंगा, तो उसका मुझे बहुत एक्साइटमेंट है. मेरा फेवरेट है कि नहीं मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो फीडबैक मुझे मिलता है, मुझे लगता है मेरी ऑडियंस का फेवरेट तो ज़रूर है. बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत बज़ है. मैंने अभी तक ट्विटर पे इसके बारे में बात भी नहीं की है, उसके बावजूद इतने लोग पूछ रहे हैं. परसों की जो इवेंट है, हमें शहर के बाहर शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि एक्सपेक्टेशन अभी 40,000-50,000 लोगों की हो गई है और वहाँ के जो पैलेस ग्राउंड्स हैं वो छोटे पड़ रहे हैं, तो हम शहर के ज़रा बाहर जा रहे हैं फॉर अ लार्जर वेन्यू. इतने लोग आने की संभावना है और एक्साइटमेंट बहुत है क्योंकि जो लोग इसे तेलुगू में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तमिल में प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़कर इरोस भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वेव हमारे साथ जुड़ा हुआ है, राजू चड्ढा आ रहे हैं, अलहमरा पराग सांगी जुड़े हैं, तो बहुत सारे अच्छे लोग जुड़ गए हैं. साउथ में भी बहुत बड़े बड़े लोग जुड़ गए हैं और वो लोग भी अपनी भाषाओं में बहुत एक्साइटेड है इसको लेकर. तो मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कनाडा में भी मेरे लिए इतनी एक्साइटमेंट रहेगी जितनी रही है. वहाँ के जो लेजेंडरी स्टार्स हैं, वो वहाँ के जो अभी जैसे यहाँ अमित जी हैं, वैसे वहाँ पे अमरीश जी हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारी फिल्म में मैं गेस्ट अपेयरेंस करूँगा.
तो इट्स ओवरऑल बीन रियली ओवरवेलमिंग एंड आई एम वेरी वेरी टच्ड जी 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 आई थिंक मुझे जो चीज़ वीरप्पन के बारे में सबसे अच्छी लगी, मैंने भी हिंदी फिल्म देखी नहीं है, बट जो मुझे प्रोमोज देखकर जिस बात का सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट रहा कि वो कैरेक्टर इतना ऑथेंटिक लग रहा है, वो लग रहा है बिल्कुल जैसे वीरप्पन को पकड़ के लेके आ गए, वो चीज़ शायद मैं नहीं कर पाता, क्योंकि वो जो लैंकी बॉडी है जिस तरह से वो शायद मुझे शायद फिर भी मैं मैनेज कर लेता, बट वो जो बॉडी लैंग्वेज है वो इतना लैंकी, इतना पतला सा बेंट सी बॉडी, वो जो एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है द वे ही वॉक्स, वो चीज़ जब मैंने एक्चुअली एक्टर को देखा परफॉर्म करते हुए तो मुझे लगा ये आपने कैसे पुल ऑफ किया, ये कौन है, तो उन्होंने बहुत ढूंढ कर उसको निकाला, तो आई थिंक दैट्स वर्किंग बिकॉज फॉर मी इन द फिल्म वीरप्पन इज द स्टार. The one I'm acting in. yeah, I think they'll all be exceptional biopics. I think they all deal with great stories. All the names you took, and you forgot Azhar. Azhar's also there in between. So I think they'll all be very exciting. And it's always interesting to watch a biopic because कहीं न कहीं आपको एक correlation मिलता है. आपको लगता है कि यार ये मैंने इस बंदे के बारे में या तो पढ़ा है या सुना है या फिर आप फिल्म के प्रमोशन के बाद एक्साइट हो जाते हो, क्यूरियस हो जाते हो, ऑनलाइन जाके चेक करते हो ये बंदे की कहानी क्या है. तो आई थिंक उसका जो एक मज़ा है एक बायोपिक का, और बाद में जो लोग जानते हैं, जैसे मैंने जब परिटाल रवि का रोल प्ले किया था तो आई डिड अ फिल्म कॉल्ड रक्त चरित्र, तो तेलुगु में इट बिकेम ए ह्यूज सेंसेशन. एंड जहाँ के वो थे अनंतपुर, तो वहाँ पे जहाँ पे उनकी समाधि है, मैं गया था समाधि पर फूल रखने, तो लोग इतने इमोशनल हो गए थे उस बायोपिक को लेकर कि जैसे ही मैं वहाँ गाड़ी से उतरने लगा उन्होंने कहा नहीं हमारे लीडर वापस आए हैं. तो मैं कहा मैं कहाँ लीडर वीडर, उन्होंने कहा हमारे लीडर वापस आए हैं, हम आपको ज़मीन पे पैर रखने नहीं देंगे. तो उन्होंने मुझे कंधे पे उठा लिया, तो मैं कन्फ्यूज़ भी हो गया, थोड़ा सा शॉक भी हो गया कि इतना स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन का मतलब जो अंतर होता है हम लोगों के लिए, हम तो एक्टिंग कर रहे हैं हमको तो पता है, बट लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर. तो और उनका बेटा जो है वो खुद मिलने आया, बहुत इमोशनल हुआ, रोने लग गया. तो ये जब चीज़ें होती हैं स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन जब वो मर्ज हो जाता है तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस है, अलग मज़ा है. यार मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि आज तक मैं कहीं भी जूरी नहीं रहा हूँ. आई थिंक जब तक आप खुद किसी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हो तब तक ये कहना कि ये प्रोसेस सही है नहीं है वो थोड़ा सा आई थिंक अनफेयर है. बाहर से कहना बहुत आसान है, अंदर में कितनी मेहनत जाती है मैं जानता हूँ. आंद्रे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है तो मुझे पता है कि वो उसकी पर्सनल सैक्रिफाइसेस कितनी होती हैं. ये पूरे जितने आईफा के टीम मेम्बर्स हैं वेस्टक्राफ्ट के, ये दिन रात मेहनत करते हैं, लोगों को संभालते हैं, लोगों की ईगोज़ को भी संभालते हैं. और वो जो एक ये लोग मेहनत करते हैं, समटाइम्स आई फील दैट दैट्स अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू आवर फिल्म इंडस्ट्री. विवेक जी, जिस तरह से आप अपने आप को रीइन्वेंट कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस की बात हो चाहे फिल्मों की बात हो, तो आप चाहते हैं कि अब पुरानी तलखियां जिन लोगों के साथ आपकी थी, सम्मान आजकल शाहरुख के साथ जो मैचअप कर, तो आप चाहते हैं कि वो लोग भी आपका सपोर्ट करें आपके रीइन्वेंशन में, नए जो आपका नया करियर शुरू. ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, चीयर्स. Close.
सबसे पहले तो आईफा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रिश्ता रहा है, आप दोनों से जानना चाहेंगे? You wanna start? आईफा अपने आप में बहुत बड़े नाम है एंड इट्स ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, और मेरा ये पहला आईफा है, सो आई एम जस्ट एक्साइटेड अबाउट इट एंड रेडी टू गो। लुक सेंटर, ओके। यार मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मैं एक फिल्म का हिस्सा होती हूँ तो आई एम एन एक्टर, आई एम इन द टेक्निकल डिपार्टमेंट, बट बाकी फिल्मों के लिए मैं ऑडियंस हूँ। सो आई एम रियली ग्लैड दैट आईफा लेट्स मी कम एंड वोट, बिकॉज एज एन ऑडियंस व्हेन आई वॉच अ फिल्म मुझे कुछ चीज़ें पसंद आती है, कुछ नहीं आती है। सो आई लाइक द फैक्ट दैट आई गेट अ चांस टू से कि मुझे इसको वोट करना है, इसको नहीं करना है, विच इज़ वाई आईफा इज़ वेरी स्पेशल एंड आई मेड इट अ पॉइंट टू कम एंड वोट टुडे। जैसे कि आपने कहा कि आप एज अ ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं फिल्मों को, तो आप दोनों से जानना चाहेंगे, इस साल कई सारी फिल्में हैं, आपकी भी फिल्में हैं, तो ऐसी कोई फिल्म जो आपको आ गई हो और बहुत पसंद आई हो, और ऐसा कोई एक्शन जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? मुझे पीकू बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बिकॉज बहुत ही अलग फिल्म है एंड ऐसी फिल्म पहले आई नहीं है, क्योंकि हम पीकेपी से आते हैं जहाँ सेम कॉन्सेप्ट है, और ऐसी फिल्म पहले आई नहीं है। सो वी अंडरस्टैंड कि जब एक आप नए कॉन्सेप्ट की फिल्म बनाते हो तो वॉट ऑल स्ट्रगल यू गो थ्रू, एंड द फैक्ट कि पीकू इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से लोगों को भाई है इज़ ऑल्सो गिविन मी अ दिस थिंग कि मैं बोल सकूँ कि आई वॉन्ट टू वोट फॉर दैट फिल्म एंड आई वॉन्ट टू बी इन अ फिल्म लाइक दैट इन द फ्यूचर। सो मेरे लिए पीकू। I loved Bajirao Mastani because of Ranveer Singh also, because जिस हिसाब से उन्होंने acting की है और जिस जुनून के साथ उन्होंने passion के साथ करा है, वो बहुत ज़माने पहले होता था। He made it, you know, he came back with the same thing and I really loved it. इसके अलावा इस साल की कोई गाना जो आपके मतलब कोई भी गाना अगर आपको पसंद आया होगा इस साल का? मैं हूँ शराबी या बोतल शराबी। I'm sorry but मैं भी अपनी फिल्म से कहूँगी हीरी for sure. अभी है पाइपलाइन में, तो आप आने वाले टाइम में आपको पता लग जाएगा। सेम ईयर मैं बात नहीं कर सकती उसके बारे में, बट एंड ऑफ दिस ईयर शूट स्टार्ट हो जाएगी एंड इतना कहूँगी कि यू विल अगेन सी मी इन अ रोल जो आपने पहले मुझे नहीं देखा है, मतलब बहुत 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 अलग, तो आई होप वो भी इतना पसंद आए लोगों को। परफॉर्मेंस यार यू गॉट अ रियली गुड लिस्ट ऑफ पीपल परफॉर्मिंग, सो आई कांट पिक, आई रियली डोंट नो हाउ टू पिक। वेरी वेरी एक्साइटेड, वेरी ऑब्वियसली आई वुड लव टू सी रणवीर सिंह परफॉर्मिंग एज अ पावर हाउस, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर रणवीर सिंह, सलमान सर। या यू आई कांट पिक, आई रियली डोंट नो हाउ टू पिक। Yeah, I think they do because the voting section, the way it's made and you go and just vote and that is the best part. So, they made the best person win. Like I said, they kind of make us a part of the voting system as well, which is also very important because we are all fellow co-actors only, right? So, if I like someone else's work, I should be able to get up and do something about that. And IFA is the only award that gives that platform to us as well. So, you know. Thank you so much. Okay. Thanks, guys.